नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों इकोनॉमिक्स में अब तक हम लोगों ने आर्ट्स चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लिया है, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 से 11 के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। बेसिकली चैप्टर 9 से 11 में आपका पूर्ति से संबंधित चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 19 प्रश्न किया था, आज हम लोग 120 से शुरुआत करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, फर्म के संतुलन में होता है, ठीक है। यानी कि फर्म संतुलन में कब होता है, एक फर्म के लिए संतुलन पॉइंट कौन सा होगा। तो आपके ऑप्शंस है, ये क्वेश्चन कॉमर्स वाले एग्जाम में 2015 में पूछा हुआ है। तो आपके ऑप्शंस है MR इज इक्वल टू MC, सेकेंड है MR ग्रेटर देन MC, थर्ड है MR लेस देन MC और फोर्थ है MR ग्रेटर देन इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों फर्म के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि MR इज इक्वल टू MC होना चाहिए, तब यह क्या कहलाएगा, आपका फॉर्म संतुलन में कहलाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, MR इज इक्वल टू MC। MR मतलब होता है मार्जिनल रिवेन्यू और MC मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, सीमांत आगम और सीमांत लागत, ठीक है। दोस्तों हिंदी में सीमांत आगम इज इक्वल टू सीमांत लागत, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका है, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है। यानी कि किसी भी बाजार में, प्रत्येक बाजार में, ठीक है, एक फर्म के लिए संतुलन के लिए कौन सी शर्तें होती है, ये आपको बताना है। ये भी आपका कॉमर्स के 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आपके ऑप्शन है AR इज इक्वल टू MC, सेकेंड है MR इज इक्वल टू MC, थर्ड है MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे और फोर्थ है B और C दोनों। तो दोस्तों अभी जस्ट हमने एक पॉइंट देखा है, फर्म के संतुलन के लिए क्या देखा है कि MR इज इक्वल टू MC होनी चाहिए, ठीक है। पहला शर्त क्या है, MR इज इक्वल टू MC, और दूसरा शर्त क्या होता है, MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। ये दोनों शर्त होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, B और C दोनों इसका करेक्ट है। दोनों शर्त होनी चाहिए फर्म के संतुलन के लिए, ठीक है दोस्तों। एक फर्म के संतुलन के लिए क्या क्या शर्तें हैं, MR इज इक्वल टू MC और दूसरा है MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटें, ये दोनों शर्त होंगे फर्म के संतुलन के लिए। अगला प्रश्न आपका है, फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है, ठीक है दोस्तों। फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है, ठीक है, ये आपका झारखंड बोर्ड में 2012 में और बिहार के बोर्ड में 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है MC इज इक्वल टू MR, सेकेंड है MR इज इक्वल टू TR, थर्ड है MR इज इक्वल टू AR और फोर्थ है AC इज इक्वल टू AR। तो फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है क्या कि MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा, ठीक है। किसी भी फर्म का लाभ किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा, ठीक है, ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है आर्ट्स वाले में, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है सीमांत आगम इज इक्वल टू सीमांत लागत, सेकेंड है सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटती है, थर्ड है ए और बी दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को क्या है, अलग अलग तरीके से पूछता है, कभी कॉमर्स वाले में पूछता है, कभी आर्ट्स वाले में पूछता है, सेम क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा शब्द चेंज करता है, ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो फर्म के संतुलन के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, तो सीमांत आगम इज इक्वल टू सीमांत लागत, यानी कि AMR इज इक्वल टू MC अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है, इसी को हिंदी में लिखा है सीमांत आगम इज इक्वल टू सीमांत लागत, और दूसरा MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, ठीक है, वही है सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को रेखा को नीचे से काटती है, तो ये दोनों हैं, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड ए और बी दोनों इसके शर्तें होंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है, कॉमर्स 2015 में क्वेश्चन पूछा है ये। आपके ऑप्शन है किसी समय की अवधि, सेकेंड है कीमत, थर्ड है ए और बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो
पूर्ति निम्नलिखित किससे जुड़ी होती है? तो कीमत से भी जुड़ी होती है और समय के भी जुड़ी होती है, यानी ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से है? ठीक है, किसी भी वस्तु के पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? ये 2015 का क्वेश्चन है, आर्ट्स वाले का। आपके ऑप्शंस है वस्तु की कीमत, सेकेंड है संबंधित वस्तु की कीमत, थर्ड है उत्पादन साधनों की कीमत और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक की बात हो रही है, तो इसमें आपके सारे के सारे ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, वस्तु की कीमत भी उसको प्रभावित करेगी, सभी संबंधित वस्तुओं की कीमत प्रभावित करेगी और उत्पादन साधन की कीमत भी उसको प्रभावित करेगी, ये सब इसका क्या है, फैक्टर है, घटक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्न से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, सेकेंड है पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है, थर्ड है पूर्ति वक्र अनेक तत्व प्रभावित करते हैं और फोर्थ है उपयोग सभी। तो सारे के सारे पॉइंट पूर्ति से संबंधित है, तो क्या है, वस्तु की कीमत और इसकी पूर्ति में सीधा संबंध होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सेकेंड है पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है, तो ये भी ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है, ऊपर से होता है। थर्ड है आपका पूर्ति के अनेक तत्व प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर फोर सभी कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? ठीक है, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? 2019 का क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शन है एस इजिकल टू एफ इंटू पी, सेकेंड है एस इजिकल टू एफ इंटू वन बाई पी, थर्ड है एस इजिकल टू एफ इंटू क्यू और थर्ड है सॉरी फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एस इजिकल टू समीशन एफ इंटू पी, सॉरी समीशन नहीं है, ठीक है, एस इजिकल टू एफ इंटू पी, ये आपका क्या है, पूर्ति के नियम को प्रभावित बताता है, प्रदर्शित करता है। ओके, अगला आपका है, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? ठीक है, क्या है, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? आपके ऑप्शन है मांग का नियम, सेकेंड है पूर्ति के नियम, थर्ड है सेकेंड है पूर्ति की लोच, थर्ड है पूर्ति के नियम और फोर्थ है पूर्ति फलन। तो दोस्तों अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध दिखाएगा पूर्ति के नियम को, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित कौन से कारण है? ठीक है, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? यदि 2016-19 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके ऑप्शन है उत्पादन लागत में वृद्धि, सेकेंड है स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, थर्ड है उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर लागत बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पूर्ति कम होगी, ठीक है, उत्पादन कम होगा। फिर आपका है साधन की स्थानीय वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो भी क्या होगा, उत्पादन कम होगा, और उद्योग फर्मों की संख्या कम होगा तो भी उत्पादन कम होगा, यानी सभी के सभी क्या है, कारण हो सकते हैं किसके, पूर्ति के कमी के। ठीक है दोस्तों, तो उपरोक्त सभी कारण क्या है, पूर्ति के कमी के है। नेक्स्ट आपका है, वस्तु की मात्रा, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता एक निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो? ठीक है, उस वस्तु की मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो? 2017 का एक क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है पूर्ति, मांग, पूर्ति की लोच या मांग की लोच। दोस्तों तो वस्तु की मात्रा की बात क्या है, तो वस्तु की मात्रा क्या होगा जिसे हम बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका सप्लाई कहलाएगा, यानी कि पूर्ति कहलाएगा। ठीक है, तो उस मात्रा को हम क्या बोलते हैं, पूर्ति बोलते हैं, जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार रहता है वो पूर्ति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्नांकित चित्र प्रदर्शित करता है, यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, ठीक है, बताना है यह चित्र किसको दिखाता है, 11 और 18 में पूछा है ये। आपके ऑप्शन है पूर्ति में विस्तार, सेकेंड है पूर्ति में संकुचन,
थर्ड है पूर्ति में वृद्धि और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ कीमत है और एक तरफ क्या है मात्रा है, ठीक है। तो कीमत बढ़ा है और मात्रा भी बढ़ा है, ठीक है। क्या हुआ है, कीमत बढ़ गया और मात्रा बढ़ गया है, यानी कि जो पूर्ति वक्र है कहाँ खिसक गया है, दाएँ की दाएँ खिसक गया है, ठीक है। और जब पूर्ति वक्र दाएँ खिसकता है तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ति में विस्तार बोलते हैं, ठीक है। और वही पूर्ति वक्र अगर बाएँ खिसकता है तो उसको बोलते हैं पूर्ति में संकुचन। लेकिन पूर्ति वक्र कहाँ खिसका है, दाएँ तरफ खिसका है, इसका मतलब है ये क्या कहलाता है आपका, पूर्ति में विस्तार को दिखाता है यह फिगर, ठीक है। देख रहे हैं मात्रा बढ़ गया, कीमत बढ़ गया, वक्र कहाँ चला गया, दाएँ चला गया है। अगर यह यहाँ पे आता तो क्या कहलाता आपका, संकुचन कहलाता है। लेकिन यह आगे की ओर खसका है तो यह पूर्ति में विस्तार है। नेक्स्ट आपका है, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका है, ठीक है। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका है। और मेरे ख्याल से यह झारखंड बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस है जेबी से, रिकार्डो, पीगु और किन्स। तो पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन जेबी से का है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्न से कौन सा होगा, ठीक है। क्या बोलता है, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्न से कैसा होगा, 2016 का एक क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है लोचदार होगा, बेलोचदार होगा, पूर्ण लोचदार होगा या पूर्ण बेलोचदार होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब कीमत में थोड़ा परिवर्तन हो और वृद्धि ज़्यादा हो तो वो आपका पूर्णतः लोचदार कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, पूर्ण लोचदार कहलाएगा। कीमत में थोड़ा परिवर्तन होने पर वस्तु की मात्रा में अधिक या पूर्ति में अधिक वृद्धि होगी तो वो आपका पूर्णतः लोचदार कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी, ठीक है। क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो तो पूर्ति की लोच कैसी होगी, ठीक है। आपके ऑप्शन है इकाई से कम, सेकेंड है इकाई के बराबर, थर्ड है इकाई से अधिक और फोर्थ है अनंत। तो दोस्तों बेसिकली यह दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। यहाँ पर शब्द के साथ खेला है, क्वेश्चन लिखने क्या है वही क्वेश्चन है, ये जो आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, खाली शब्द बदल के दिया है आपको, ठीक है। कह रहा है कीमत परिवर्तन क्या होता है, कम होता है और आनुपातिक परिवर्तन पूर्ति में अधिक होती है, पूर्ति तो लोच क्या होगा। तो जब वही बात है कि जब कीमत कम परिवर्तित हो और वृद्धि अधिक हो तो आपका इकाई से अधिक कहलाएगा, जिसे हम पूर्णतः क्या बोलते हैं, लोचदार बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, इकाई से अधिक लोचदार। नेक्स्ट आपका है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु उस पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो तो वस्तु की पूर्ति होगी, 2010-18 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ भी शब्द के साथ खेला है, ठीक है। क्या किया है, इस बार परसेंटेज के साथ पूछा है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% वृद्धि हो रही है, यानी कि कीमत ज़्यादा वृद्धि हुई है और पूर्ति कम वृद्धि हुई है, ठीक है। तो जब कीमत ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो तो क्या कहलाएगा आपका, तो आपके ऑप्शन है अत्यधिक लोचदार, सेकेंड है लोचदार, थर्ड है बेलोचदार और फोर्थ है पूर्णतः बेलोचदार। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि कीमत ज़्यादा परिवर्तित हो रहा है और पूर्ति में कम परिवर्तन हो रहा है, तो ये आपका पूर्णतः बेलोचदार कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कीमत ज़्यादा परिवर्तित हो और उसके तुलना में पूर्ति बहुत कम परिवर्तित हो तो यह आपका पूर्णतः बेलोचदार कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है, पूर्ति लोच की माप किस सूत्र से ज्ञात की जाती है, यानी कि पूर्ति की लोच की आपको सूत्र बताना है, 2011 का प्रश्न है ये। पूर्ति की लोच या पूर्ति लोच की माप किस सूत्र से ज्ञात की जाती है, तो आपके ऑप्शन है डेल्टा क्यू एस अपॉन डेल्टा, सॉरी डेल्टा क्यू एस अपॉन क्यू एस बाई डेल्टा पी अपॉन पी है, सेकेंड है क्यू एस अपॉन डेल्टा पी इंटू वन बाई पी, थर्ड है डेल क्यू एस अपॉन डेल्टा क्यू एस इंटू ए डेल्टा पी, और फोर्थ है डेल्टा पी अपॉन क्यू एस इंटू पी अपॉन डेल्टा क्यू एस।
तो दोस्तों तो आपका यहाँ पे है पूर्ति की लोच की माप क्या होगी इसमें, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा क्यू एस अपॉन क्यू एस और फिर नीचे में बड़ा सा बाई होगा बट्टे डेल्टा, ठीक है, पी अपॉन पी होगा, यह क्या कहलाएगा आपका पूर्ति की लोच की सूत्र है। ओके नेक्स्ट आपका है ई एस इज इक्वल टू जीरो का अर्थ है कि पूर्ति की लोच, यानी कि जब ई एस इज इक्वल टू जीरो होता है तो यह पूर्ति की लोच कैसी होगी, तो आपके ऑप्शंस हैं पूर्णतः लोचदार, सेकेंड है पूर्णतः बेलोचदार, थर्ड है कम लोचदार और फोर्थ है इकाई लोचदार। 2018 का यह क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब ई एस इज इक्वल टू जीरो होता है इसका अर्थ होता है कि क्या है यह पूर्णतः बेलोचदार कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही अगर इकाई एक के बराबर होता तो यह लोचदार कहलाता, इकाई एक से अधिक होता तो पूर्णतः लोचदार कहलाता, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं लोच वाले में, तो ई एस लोच को हम किसे दिखाते हैं, ई एस से दिखाते हैं, ठीक है। तो ई एस अगर क्या है जीरो है तो अभी हमने देखा पूर्णतः बेलोचदार होगा, अगर ई एस आपका एक है तो आपका लोचदार कहलाएगा, ठीक है। अगर ई एस ठीक है क्या है ई एस आपका एक से अधिक है ग्रेटर देन वन है तो आपका पूर्णतः क्या कहलाएगा लोचदार कहलाएगा, और वही अगर ई एस लेस देन वन है ठीक है तो आपका पूर्णतः क्या कहलाएगा आपका सॉरी लोचदार कहलाएगा, ठीक है, यानी कि बेलोचदार कहलाएगा, जब एक से कम होगा तो वह बेलोचदार कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका है अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है, यानी कि अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच कैसी होगी, 2015 का ये प्रश्न है। आपके ऑप्शन है इकाई से कम, सेकेंड है इकाई से अधिक, थर्ड है इकाई के बराबर या फोर्थ है शून्य के बराबर। तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि पूर्ति अक्ष से, ठीक है, अगर इस अक्ष से कोई रेखा निकलती है इस तरह से, ठीक है, तो यह कैसी होगी, इसकी लोच कैसी होगी, तो इसकी लोच इकाई के बराबर होगी, याद रखिएगा। अगर अक्ष से ठीक है कोई रेखा निकलती है पूर्ति रेखा तो उसकी लोच इकाई के बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्नांकित चित्र प्रदर्शित करता है, यानी कि आपको बताना है कि जो चित्र दिया गया वो किसको दिखाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक तरफ प्राइस है एक तरफ क्वांटिटी है, तो प्राइस चेंज नहीं हुआ है क्वांटिटी चेंज हुआ है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं पूर्णतया लोचदार पूर्ति, सेकेंड है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, थर्ड है लोचदार पूर्ति और फोर्थ है बेलोचदार पूर्ति। तो दोस्तों यह चित्र किसको दिखाता है, तो समझिएगा कि प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन फिर भी क्या पूर्ति में क्या है परिवर्तित हुआ है, ठीक है। तो कीमत है परिवर्तन के बिना भी पूर्ति क्या हो रही है बढ़ रही है, घट नहीं रही है, पूर्ति में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यह क्या कहलाएगा आपका पूर्णतः लोचदार कहलाएगा, ठीक है। जब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं उसके बावजूद भी पूर्ति में वृद्धि होती है तो इसकी जो लोच होगी वो क्या कहलाएगी पूर्णतया लोचदार कहलाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट आपका है निम्नांकित चित्र प्रदर्शित करता है, फिर से चित्र है बताना है कि इस चित्र में क्या दिखाया गया है, तो इसमें क्या है तो इसमें प्राइस बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो यह किस क्या दिखाएगा, तो यह आपके ऑप्शन है लोचदार पूर्ति को दिखा रहा है, सेकेंड पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति को दिखाता है, थर्ड पूर्णतया लोचदार को दिखाता है, फोर्थ बेलोचदार पूर्ति को दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो इसका उल्टा था पीछे वाले का कि प्राइस में चेंज हुआ है प्राइस बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो जब कीमत के बढ़ने पे भी क्वांटिटी में अगर कोई प्रभाव ना हो तो ये आपका क्या कहलाएगा पूर्णतया बेलोचदार कहलाएगा, ठीक है। कीमत बढ़ने पे भी क्या है क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं है तो यह कैसा है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति है, क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपने सारे प्रश्न कर ली होइएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।